अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन से बहुत ही मज़ेदार स्नैक जो सुपर यम्मी और सुपर टेस्टी बनेगा और बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। स्पेशली ये क्रिस्पी चिकन विद बारबेक्यू सॉस हम रेडी करेंगे। क्रिस्पी चिकन विद बारबेक्यू सॉस बनाने के लिए मैंने 4 अदद ब्रेस्ट फिले लिए हैं। सबसे पहले चिकन के हम मैरिनेशन करेंगे। 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम स्पाइसेस बाकी ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और लास्ट में हम विनेगर ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन विद बारबेक्यू सॉस रेडी होती है। बहुत ज़बरदस्त क्रिस्प आएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को और बच्चों को ये बना के दे। यकीन करें रेस्टोरेंट के खाने बच्चे भूल जाएंगे और आपको बार बार फरमाइश करेंगे कि मम्मा ये मुझे बना के दें। अच्छे से हमने कोटिंग कर दी, मैरिनेशन कर दी है तमाम स्पाइसेस को। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोटिंग हम करेंगे प्लेन फ्लावर की। प्लेन फ्लावर में कुछ नहीं ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सिंगल कोटिंग करेंगे। ये 1 कप पहले मैंने मैदा लिया है 1 कोटिंग के लिए, सिंगल कोटिंग के लिए। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से कोट कर देना आपने मैदा, और एक्सेस मैदा आपने झाड़ देना है। तमाम चिकन पीसेस की ऐसे ही कोटिंग कर लेनी है आपने, और लास्ट में हम सर्व करेंगे बारबेक्यू सॉस के साथ और मायोनीज के साथ। अब सिंगल कोटिंग हमने तमाम पीसेस की कर ली है। अब डबल कोटिंग करने के लिए उसी पैन में हम पानी ऐड कर देंगे। अब हम सेकंड कोटिंग करेंगे कि हमने डबल कोटिंग करने ताकि डबल क्रिस्प आए। बस आपने जस्ट फ्यू सेकंड के लिए पानी में डिप रखना है, फिर से आपने मैदे में ऐड कर देना है। ऊपर हम 1 कप मैदा और ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्प हमारा बने। तकरीबन ये 2 कप मैंने मैदा यूज किया है। अब दोनों तरफ से आपने अच्छे से मैदा कोट कर देना है। ज़्यादा मेहनत आपने सेकंड लेयर में करनी है क्योंकि इसमें आपका क्रिस्प अच्छे से बनेगा। पहले आपने दोनों तरफ से अच्छे से कोट करना है मैदे को ताकि मैदा अच्छे से लग जाए, अच्छे से कोट हो जाए। फिर आपने इस तरह हाथों को देखिए जिस तरह मेरी मूवमेंट है, इस तरह आपने सेम आपने क्रिस्प बनाना है। ऐसे आपने झालर से रेडी कर लेनी है गोल गोल घुमाते हुए। एक्सेस मैदा जैसे ही आप झाड़ेंगे ये देखिए ज़बरदस्त सा क्रिस्प बन जाएगा, झालर सी बन जाएगी। जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त क्रिस्प बनेगा। अब तमाम पीसेस की भी सेम इसी तरह हम कोटिंग कर लेंगे। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका हुआ है, अब हम फ्राई करेंगे। इस तरह के आप फिले फ्राई करने के बाद आप जिंगर बर्गर भी बना सकते हैं जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। साथ कोल्सला के साथ सर्व करें, साथ केचप, साथ मेयोनीज के साथ। यकीन करें आप बाज़ार के जो मार्केट में फास्ट फूड मिलता है आप उसको भूल जाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है। 3 से 4 मिनट आपने टर्न नहीं करना, जैसे ही क्रिस्प सेट होगा फिर आपने टर्न करना है और कवर भी साथ आपने कर देना है ताकि चिकन के तमाम पीसेस अंदर से सॉफ्ट बने और नरम बने। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, लो फ्लेम पर आपने फ्राई नहीं करना है। दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ चुका है, अच्छे से कलर भी आ चुका और फ्राई भी अच्छे से चिकन हो चुकी है, कलर अच्छे से गोल्डन आ चुका है। देखिए क्रिस्पी ज़बरदस्त आया है। तमाम पीसेस को हम निकाल लेंगे, लास्ट में एक पीस बच गया है, सेम इसी तरह हम फ्राई करेंगे। आप ऐसे एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सर्व करूँगी बारबेक्यू सॉस के साथ, साथ मायोनीज। बाकी पीस जो बच गया है सेम उसी तरह हम फ्राई करेंगे। ये बारबेक्यू सॉस है और मायोनीज है। क्रिस्पी चिकन विद बारबेक्यू सॉस। तमाम क्रिस्पी चिकन के पीसेस हमने फ्राई कर लिए हैं। चिकन के तमाम फिले हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त गोल्डन लुक आ चुका हुआ है। अब हम सर्व करेंगे बारबेक्यू सॉस के साथ, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है। एज इट इज़ आप बच्चों को सर्व करें, यकीन करें बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे और घर में ऐसे खुशबू आएगी जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में आए हैं, और कोई भी हाथ नहीं रोक पाएगा खाने से। इस तरह आप बच्चों को बना के दें, मेहमानों को बना के दें, इस तरह तारीफें हर कोई करेगा आपकी कि किस तरह आपने ये क्रिस्पी चिकन बनाई है। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त कोटिंग होती है इसकी, और इसकी जो लेयर्स है वो बहुत ज़बरदस्त आती है, क्रिस्प बहुत ज़बरदस्त आते हैं और खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आपने ज़रूर ट्राई करना है क्रिस्पी चिकन विद बारबेक्यू सॉस, बहुत ही मज़ेदार बनी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरा दूसरा चैनल है एक मोबाइल शाहीन, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।